कहते हैं कि मौत दबे पांव आती है, खास तौर से जब बात सड़क हादसों की होती है तो पल भर में ही हंसते गुनगुनाते लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। कभी खुद की लापरवाही तो कभी दूसरे की लापरवाही इतनी भारी पड़ जाती है कि पीड़ित परिवारों को जिंदगी भर का दर्द मिल जाता है। अपनों को खोकर भी और अपनों को जीवन भर अपाहिज देखने का होता है ये दर्द। राजस्थान में ही पिछले दो सप्ताह में हुए दो भीषण सड़क हादसों में ऐसे ही दर्जनों परिवारों की खुशियों को ग्रहण लग गया। पूरे साल भर के आंकड़ों को गिने तो दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आती है। जयपुर अजमेर हाईवे पर गुरुवार को ही हुए सड़क हादसे ने समूचे परिवार को खत्म कर दिया। अजमेर जियारत के लिए जा रहे इस परिवार ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आमतौर पर सुरक्षित समझे जाने वाले राजमार्ग पर ही बेकाबू टैंकर यमदूत बनकर सामने आ जाएगा। जिस कार में सवार होकर ये परिवार जा रहा था उस पर ही ये टैंकर पलट गया और परिवार के 8 सदस्यों को इस हादसे ने लील लिया। इससे पहले इसी हाईवे पर रिंग रोड से उतरते वक्त तेज स्पीड लग्जरी कार में सवार छात्र छात्राओं पर मौत ने झपट्टा मार दिया। इस हादसे में भी 4 जनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। राजमार्गों पर ही नहीं गली मोहल्लों और गांवों की संपर्क सड़कें भी हादसों से अछूती नहीं है। लापरवाही किसी की भी हो इतना तय है कि यदि मुख्य सड़कों और राजमार्गों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्र चिन्हित कर समय रहते सुरक्षा उपाय कर लिए जाएं तो न केवल हादसों पर लगाम लगाई जा सकती है बल्कि इनमें होने वाली मौतें और घायलों की संख्या भी कम की जा सकती है। पिछले दिनों ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि सड़क हादसों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या के मामले में भारत पहले नंबर पर है, वहीं ऐसे हादसों में घायल हुए लोगों के मामले में भी भारत तीसरे स्थान पर है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर होने वाले हादसों के बड़े कारण क्या हैं, क्या क्या रहते हैं हादसों के कारण। बदहाल सड़क मार्ग और सर्विस लेन, अपर्याप्त ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस, स्वचालित यातायात नियंत्रण प्रणाली का अभाव, हाईवे पेट्रोलिंग की कमजोर व्यवस्था, हाईवे से मिलने वाली सड़कों पर गति नियंत्रण उपायों की कमी, असुरक्षित स्थानों पर क्रैश बैरियर्स और रखरखाव का अभाव, पुलों का समय रहते रखरखाव नहीं होना, व्यवसायिक वाहन चालकों के लिए वे साइट सुविधाओं का अभाव, एम्बुलेंस आपातकालीन सेवा और ट्रोमा सेंटर्स की कमी। राजस्थान में 27,130 किलोमीटर लंबाई की नेशनल और स्टेट हाईवे का रोड नेटवर्क है। इन हाईवे से गुजरने के लिए वाहन चालकों से हर दिन 50 करोड़ रुपए से ज्यादा टोल वसूला जा रहा है। इनमें से कई टोल रोड तो ऐसी हैं जहां निर्माण लागत के अनुपात में 550% से ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा चुका है। चिंता की बात यह है कि इन हाईवे पर 27-30% तक सड़कें छलनी हैं। सड़क सुरक्षा को लेकर बने तमाम कानून कायदों को सख्ती से अमल में लाकर ही हादसे रोके जा सकते हैं। वाहन चालकों के समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था तो हो ही, सड़कों की इंजीनियरिंग में खामियां भी दूर करनी होंगी। साल 2050 तक सड़क हादसों को 50% तक लाने का लक्ष्य कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके लिए सरकारों की इच्छा शक्ति भी जरूरी है। स्पेशल रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।